अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तबीयत की दुनिया। मैं हूँ आदिल यासर। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो वन ई है, क्लास 8 की मैथमेटिक्स की, न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 जो का जो सेकंड पार्ट है, क्लास 8 का, उसके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1 ही। उसके क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट हम ए से स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम मैथड यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मैथड। इसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दो मैथड का जिक्र किया गया है। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन क्या होता है, मैंने एक ही क्वेश्चन में ये समझाया हुआ है। न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 क्लास 8 के नाम से एक है प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चन अवेलेबल है। इसके अलावा क्वेश्चन जो 1 है उसके पार्ट हमने किए हैं, 2 के भी पार्ट किए हुए हैं, इसी तरह 3 और 4 के भी किए हैं। अभी कुछ स्टूडेंट ने क्लास इसी का क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो करने का कहा था, तो इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन जो 7 के हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसे कुछ पार्ट करेंगे। अब इसमें देखें आप, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है इसका पार्ट ए हम स्टार्ट करेंगे। इसमें उसमें दो इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 3/4 एंड एक्स माइनस 2 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3/5। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसको थोड़ी सी इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जिस तरह पहले के बाकी के जो क्वेश्चन है वो उसने जो जिस तरह 1, 2, 3, 4 की बात करते हैं तो वो इस तरह फ्रैक्शन में नहीं है, सीधी सीधी इक्वेशन है। तो पहले हम इसकी हेल्प से ये फ्रैक्शन को खत्म करेंगे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन बना के फिर उसके आगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है इन सारी चीज़ें मैं आगे आगे डिस्कस करता हूँ। तो सिंपल सी बात है, ये भी इक्वेशन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ये जो इसके नीचे 4 है वो इधर मल्टीप्लाई होगा और ये जो 3 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 × x + 1 = 3 × y + 2। तो ये हो जाएगा कि 4x, यानी 4x से पहले मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह 4 पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 × 1 = 4। 3 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y हो गया, 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो गया, ठीक हो गया। इसी का साथ यही काम इस इक्वेशन के साथ भी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये 5 है, x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू y माइनस 1 हो गया, और 5x, यानी इस 5 को पहले x से मल्टीप्लाई किया, फिर इस 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से भी, तो 5 × 2 = 10 हो गया। फिर 3 को y से मल्टीप्लाई करना है तो 3y हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना तो 3×1 = 3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस y को इस तरफ ले, 4x − 3y = 6 − 4 हो जाएगा। अब ये हुआ कि जो 6 है ये इधर गया, जो 4 है उस तरफ चला गया, जो y में था इस तरफ आके माइनस हो गया, क्योंकि इस तरफ इसके साथ कोई साइन नहीं था, इसका मतलब है प्लस है, इस तरफ आके ये माइनस हो गया। तो ये हमारे पास आ गया कि 4x − 3y = 6 में से 4 गया तो 2 बचे, ये कोई है हमारे पास आ गया। अब इसी तरह हम यहाँ ये सिंप्लीफाई करें तो 5x इस 3y को इधर ले, जब इस 3y को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। दूसरी तरफ भी देखो, माइनस 3 को उधर ही रहने दे, इस 10 को इस तरफ लेके जाने दे, जब 10 इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो ये माइनस से प्लस जब चेंज होगा, जैसे ये y इधर आके साइन चेंज कर दिया, 10 ने उधर जाके साइन चेंज करा, यहाँ माइनस करना तो उधर जाके प्लस करोगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 5x − 3y = 7। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास जैसे शुरू के क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमारे पास बन गए। अब अगर आप देखें तो ये जैसे मैंने क्वेश्चन शुरू में स्टार्ट कराया था, तो उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब आपके पास इस तरह के दो इक्वेशन आ जाते हैं, इसी इक्वेशन को हम यहाँ नीचे लिख देते, तो मैं फिर इसके बाद आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये इक्वेशन मेरे पास है, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दी। जब ये दो इक्वेशन आपके पास आ जाती हैं या आपके पास गिवन होती हैं, तो आप देखते हैं कि x के जो कोफिशिएंट है क्या वो इक्वल है, जैसे कि ये x है ना वेरिएबल है, ये 4 इसका कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल, ये कोफिशिएंट, तो ये x के दोनों जो वेरिएबल है, x के शुरू में दोनों नंबर है वो डिफरेंट है, तो फिर आप y को चेक कर देंगे। तो y में देखो हमारे पास यहाँ भी 3y है, यहाँ भी 3y, अगर तो y या x के जो वेरिएबल है x है या y है उसके साथ जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ 3 है, वो इक्वल हो, सेम हो, जैसा कि यहाँ पे 3 है, फिर उसके बाद आप उसका साइन देखते हैं, तो यहाँ पे इनका के साथ नंबर तो सेम है और देखते हैं साइन, साइन भी सेम है, अगर साइन सेम हो तो फिर आप उन दोनों इक्वेशन को क्या करते हो, सबट्रैक्ट करते हो। तो आप क्या देखोगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 में यहीं पर लिख देता हूं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 को मैं क्या करने लगा हूं, सबट्रैक्ट करने लगा हूं। तो देखो सबट्रैक्ट भी क्यों करूंगा, इसलिए सबट्रैक्ट करूंगा कि जब सबट्रैक्शन होती है तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, जब नीचे वाले साइन चेंज होते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास एक ही वेरिएबल बच जाता है, एक वेरिएबल कट जाता है, दूसरा वेरिएबल बच जाता है, उसकी वैल्यू आ जाती है। एलिमिनेशन का यही मकसद होता है, एलिमिनेट करना यानी खत्म करना, किस किस को खत्म करना है, आप चाहे
अब यहाँ पर हम एलिमिनेट कर रहे हैं किसको, वाई। तो अब हम हमारे पास कोई साइन है जहाँ पे प्लस का साइन है, तो हम साइन चेंज कर लेंगे, इन साइन के एक छोटा सा सर्कल लगा ले और साथ साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। तो अब यहाँ देखिए फेस के साथ कोई साइन है प्लस है, तो फाइव में से फोर चले गए, तो पीछे कितने बचे, सिर्फ एक्स बचा। अब क्योंकि फाइव बड़ा है साथ साइन माइनस का लगेगा, फाइव इज ग्रेटर देन फोर, तो इसके साथ साइन माइनस का लगेगा, प्लस का थ्री वाई सॉरी माइनस का थ्री वाई प्लस के थ्री वाई से कैंसिल हो गया, इक्वल ये देखिए इक्वल का साइन आ गया। अब सेवन में से टू गए तो पीछे फाइव बचे, सेवन बड़ा है साथ साइन माइनस का लगेगा। अब इस तरफ भी माइनस है, इस तरफ भी माइनस है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू फाइव आ जाएगी। अब इसे क्या करें, पुट इन वन कर, पुट इन वन, आप चाहे तो टू में पुट कर दें, आंसर सेम आएगा, वो इतना फर्क नहीं पड़ता। अब देखें पुट इन, चलो मैं टू कर लेता हूँ, अब इस वाली को मैं वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट करूंगा। अब मेरे पास क्या है फाइव है, अब क्या है एक्स की वैल्यू, मेरे पास क्या है फाइव है, मैंने फाइव लिख दिया, माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू क्या आ गया सेवन, फाइव फाइव सर ट्वेंटी फाइव। इसमें मैंने क्या किया कि जहाँ x था उस जगह ये x की वैल्यू किसकी इक्वल है, फाइव की इक्वल है, x इक्वल टू फाइव है, तो मैंने क्या किया कि जहाँ x मुझे नजर आ रहा था वहाँ मैंने फाइव पुट कर दिया, तो फाइव फाइव सर ट्वेंटी फाइव माइनस सेवन इज इक्वल टू थ्री वाई। अब यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ ये हुआ कि उस तरफ जो सेवन था प्लस का था, इस तरफ आके आ गया माइनस हो गया, जो माइनस थ्री वाई था तो उस तरफ जाके प्लस थ्री वाई हो गया। वाई उसके लिए लेते थे क्योंकि वाई मुझे चाहिए। अब देखो 25 में से 7 गया तो पीछे कितने 5 19 बचा पीछे मेरे पास, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ गया 3 वाई। अब मुझे क्या चाहिए 18 बचेगा 18। अब मुझे क्या चाहिए वाई, जी फालतू है उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ वाई 36 है, यानी जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके डिवाइड हो गया, 3 का टेबल 18 पे 6 टाइम जाता है, तो वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 6। तो इस तरह मेरे पास जो दो वैल्यू मुझे चाहिए थी दैट इज 5 एंड 6, x और y की वैल्यू चाहिए थी, तो वो दोनों मैंने निकाल दी। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 7 का क्वेश्चन भी, ये नहीं क्वेश्चन 7 है उसका पार्ट ए, 7 का पार्ट ए आपको हो गया, उसमें बस आप देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है एलिमिनेशन क्या है मेथड, एलिमिनेशन मेथड सबसे क्या करना है सॉल्व करना। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह फ्रैक्शन की शक्ल में दिया हुआ है। आपको पहले इससे पहले हमने जो काम किए हैं, जो पहले इससे पहले लेक्चर दिए हैं उसमें हमने क्या किया है कि जैसे वन टू क्वेश्चन नंबर वन है एक्सरसाइज साइज का टू है, उसमें सिंपल इक्वेशन है फ्रैक्शन नहीं है, तो सिंपल हम ये करेंगे कि सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है इसको खत्म करेंगे, और फ्रैक्शन के बाद देखो ये बन जाएगी, तो फर्दर हम उसकी एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखें तो ये नीचे थ्री है, ये टू है, ये सिक्स है। अब अगर आप थ्री टू सिक्स का देखिए थ्री है टू है और इक्वल को सिर्फ सिक्स है, इन तीनों का एलसीएम लिया टू थ्री पे टेबल लिख जाता है इसी तरह टू वन जर और टू का टेबल सिक्स पे थ्री नाइन जाता है फिर जी वन जर वन और वन। अब अगर आप देखें तो टू मल्टीप्लाई बाय थ्री इज इक्वल टू सिक्स, जी हमारे पास इस तरह आ गया एलसीएम आ गया। अब आप ये करें कि इधर क्या लिखें मल्टीप्लाई सिक्स ऑन both sides, 6 on both sides, multiply 6 on both sides, why 6 on both sides, because 6 is the LCM of 2, 3 and 6, 2, 3, 2, 6 का LCM 6 है, इसलिए हमें दोनों साइड पे क्या करेंगे 6 multiply है, 6 multiply by x by 3 minus 6 multiply by y by 2 is equal to 6 multiply by 5 by 6, हमें क्या किया इक्वल के इस तरफ x by 3 का इसके साथ भी 6 मल्टीप्लाई किया, y by 2 का इसके साथ भी 6 मल्टीप्लाई किया, 5 by 6 का इसके साथ भी 6 मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 जर 6 कट गया 2x आ गया, 2 3 जर 6 3y आ गया, 6 6 से कैंसिल हो गया 5 आ गया, इससे हमें ये बात करना होती थी। अब आप देखें कि हमने ये किया जो फ्रैक्शन है इसको तो हमने सिंपलीफाई करके एक सिंपल इक्वेशन की शक्ल में हम ले गए हैं, तो इसलिए हमने 6 मल्टीप्लाई करा, ये रीजन भी आपको बताना चाहिए। अब अगर आप देखें तो इसको मैं फिलहाल इसी तरह लिखता हूँ माइनस टू बाई फाइव वाई इज इक्वल टू फाइव थ्री जै फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन बाई फाइव। अब ये देखो सेवनटीन बाई फाइव कैसे है, इस चीज़ को आपने समझना है, वो ये इस तरह हुआ कि जो नीचे नंबर था ये सात वाले वो नंबर से डिनोमिनेटर वो नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, ये साइड जो ये नंबर था इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो फाइव थ्री से मल्टीप्लाई हुआ 15 हो जाएगा, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो ऊपर वाले से के साथ ऐड हो जाएगा, तो फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई किया 15 हो गया, फाइव थ्री जै फिफ्टीन प्लस सुपर वाला को ऐड करें 17 हो गया। अब अगर देखें तो यहाँ पे जो है ये जो जी एक्स है इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है,
तो इसका मतलब है नहीं है तो मन होता है सिंपल है, तो इसलिए लिखने की जरूरत मन नहीं होती। इसलिए इधर फाइव है, इधर फाइव है, तो फाइव का एलसीएम फाइव ही आएगा, इसलिए हम ये करेंगे इसी बुलियन को मल्टीप्लाई फाइव ऑन बोथ साइड, इसी बुलियन को हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे। जब फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए इक्वल का साइन है, जस्ट इसको सेपरेट करने के लिए मैंने ये कॉमन से निकाला 5 मल्टीप्लाई बाय 3x, ये 5 इस 3x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 5 2 बाय जो 5 है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 बाय 5 y से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 17 बाय 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। क्या हुआ 5, क्योंकि इस पूरे का एलसीएम जो 5 आता था इसलिए इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी मल्टीप्लाई हुआ और इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या हो गया 5 3 है 15, 5 5 से कैंसिल, 2 बाय 5 5 से कैंसिल, 17 आ गए मेरे पास, यहां पर आ गए 17, ये कोई अभी 2। अब आप देखें एक और ये 1 भी हमारे पास आ गई, कोई 2 भी हमारे पास आ गई। अब ये जो क्वेश्चन की चक्कर है, ये क्वेश्चन की कोई इक्वेशन है, ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बिल्कुल इसी जैसा है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इस टाइप की कोई उसने दी हुई है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ इसको आपने समझना है तो इंशाल्लाह आप क्वेश्चन नंबर 3 खुद भी कर लोगे, मैंने 3 के कुछ लेक्चर अपलोड किए हैं बाकी भी कर लूँगा इंशाल्लाह, मैं 1 by 1 करके तमाम क्वेश्चन का लेक्चर अपलोड करूँगा। लेकिन ये होता है कि आप एक क्वेश्चन समझ लेते हो ना तो दूसरा आप खुद एफर्ट करते हो तो आपको बेहतर तरीके से समझ आता है, इवन आपको जो कंसेप्ट है वो बेहतर तरीके से बिल्ड होता है। तो आप देखिए हमारे पास जब वो इक्वेशन आ जाती है, अब मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पे देख देता हूँ, 15 x minus 2y is equal to 17, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है या आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है इसकी हेल्प से सिंपलीफिकेशन करके वो इक्वेशन बनाते हैं, तो उसके बाद जो पहला काम करते हैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड में, एलिमिनेशन मेथड का एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, खत्म करना, किसको खत्म करना है, x को खत्म कर दो चाहे तो y को खत्म कर दो, यानी x को एलिमिनेट करके y की वैल्यू निकाल दो या y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू क्या कर लो निकाल। तो अब आप देखते हैं कि क्या आपके x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, यानी कोफिशिएंट यानी सिमिलर x जो वेरिएबल है उसके साथ शुरू में नंबर रखा हुआ, यानी x है ये 2 इसका कोफिशिएंट है, यानी इसके साथ शुरू में नंबर लगा हुआ है, इसी तरह ये x है इसके साथ शुरू में नंबर लगा हुआ 15 ये इसका कोफिशिएंट है। अब पहला काम ये करने के x के को देखते हैं क्या ये इक्वल है, देखा हमने नहीं है इक्वल, चलो y को चेक कर लेते हैं। अब जब y को देखते हैं तो y के साथ इधर 3 है, इधर 2 है, y के भी नंबर भी इक्वल नहीं है, y के कोफिशिएंट भी इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि इनको इक्वल करेंगे। अब इनको इक्वल कैसे करेंगे, आपके पास ऑप्शन ये है कि आप चाहें तो x को इक्वल कर लें, आप चाहें तो y को इक्वल कर लें। तो हमेशा आप ये करते हैं कि जो छोटी छोटी वैल्यू होती है ना जिसके साथ जिसका कोफिशिएंट छोटा होता है, जैसे यहाँ बड़ा कोफिशिएंट है 15 है और 2 है, इधर 3 और 2 दोनों छोटे कोफिशिएंट है, तो जो छोटे कोफिशिएंट होते हैं उनको डील किया करें वो आसान होता है। अब मैं ये करूँगा कि इसके साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज 2, वो मैं क्या करूंगा इस 2 को मैं इस भी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूंगा और इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो इसी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि जो इक्वेशन 1 है मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय क्या 1 इस इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्यों 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि इस y के साथ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड इक्वेशन 2 y की, और ये जो इक्वेशन 2 है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ऊपर वाले y के साथ 3 है, तो लाजमी बात है जब ये वाला 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, ये वाला 3 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, तो वेरिएबल तो इसके साथ ये जो वेरिएबल है y उसकी जो क्वांटिटी है या उसका कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय इस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई ऑन अच्छा इन दोनों यानी 2 ऑन बोथ साइड एंड 3 ऑन बोथ साइड, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, इधर भी मल्टीप्लाई करो। अब हमारी ये 3 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी, इधर भी, पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 2 जर 4 2 3 जर 6 और 2 5 जर 10, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है 3। अब ये मेरे पास मेरी काम की इक्वेशन है जिसको मैंने आगे देखा। अब इन इक्वेशन क्या करना है कि इसको जो 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 17। 15 3 इज 45 होता है, 3 2 इज 6 45x माइनस 3 2 इज 6 17 3 इज 51, यानी 17 का टेबल 3 टाइम्स 51 होता है, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2।
फोर। अब ये मेरे पास जो इक्वेशंस आई है थ्री और फोर, ये मेरे काम की इक्वेशन है, इनको इनकी हेल्प से ऐसे आगे लेके चलूंगा। तो पहला काम ये करना है एलिमिनेशन में कि वेरिएबल को के साथ जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करना होता है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर जो है मैंने इक्वेशन वन और टू की हेल्प से वेरिएबल वाई जो है उसके उसको सेम कर दिया। यहाँ पे भी सिक्स वाई है और यहाँ पे भी सिक्स वाई। जब वेरिएबल सेम हो जाते हैं फिर आपने अगला काम ये करना होता है, देखना होता है कि इनके साथ साइन क्या है, इसके साथ क्या साइन है माइनस, इसके साथ क्या है साइन माइनस। अगर तो साइन सेम है तो सेम साइन तो कटता नहीं है, माइनस सिक्स माइनस सिक्स से तो नहीं कटेगा। तो फिर आप क्या करते होते सब्ट्रैक्ट करते होते हैं, यानी इक्वेशन में वो आपस में सब्ट्रैक्शन इक्वेशन की होती है। क्योंकि जब इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन होती है तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, जब साइन चेंज होता है तो लाजमी बात है प्लस वाला माइनस से कैंसिल हो जाता है। तो ऐसा है कि ये थोड़ी सी जगह है, मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ इसे कंप्लीट कर लूँ। अब मैं क्या लिखूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा इसको, सब्ट्रैक्ट थ्री एंड फोर, थ्री और फोर को सब्ट्रैक्ट करूँगा। इक्वेशन थ्री मेरे पास क्या है कि फोर एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू टेन है, एंड देन 45x माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू 71, ओ सॉरी 51, चेक कर लेते हैं, 4x माइनस सिक्स वाई 10, देन 45x 6 एंड 15, यस। अब क्या करना है, नीचे वाली जो इक्वेशन है इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है, साइन माइनस है कर दो, ये माइनस है इसको प्लस कर दो, इसके 51 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है उसे माइनस कर दो। 45 में से आपने क्या करना है, निकालना है 4, 45 में से 4 निकल गए तो हमारे पास पीछे कितने बचे, 41 बचे, 41 है बिकॉज 41 इज ग्रेटर देन 4, 41 जो है वो 4, 45 जो है वो 4 से बड़ा है, इसलिए साथ साइन क्या लगाओ माइनस, यदि 45 बड़ा है 4 से इसलिए साथ साइन माइनस करेंगे। ये देखिए माइनस का 6x प्लस के 6 सॉरी माइनस का 6y प्लस के 6y से कैंसिल हो गया। दूसरी तरफ 51 में से 10 गया तो ये भी 41 बचेगा। अब क्योंकि 10 क्या छोटा है 51 बड़ा है तो साथ साइन क्या लगा माइनस है। अब क्या हो जाएगा x is equal to minus 41 divided by minus 41। अब क्या हुआ कि हमें x चाहिए था, इसके साथ 41 है ये एक्स्ट्रा था फालतू का, हमने क्या किया ये 41 पे मल्टीप्लाई होता तो जाके डिवाइड हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल 45 तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ये जो आपके पास x की वैल्यू 1 आई है आप इसको जिस मसी को ये चाहे 1 2 3 4 जिस पे पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, तो मैं 1 में पुट करता हूं, पुट इन पुट इन 1 यानी जो इक्वेशन मेरे पास 1 है उसमें x की जगह में 1 लिखूंगा, 2x है तो देखो मेरे पास 2 है x x की जगह 1 लिखूंगा, आगे क्या -3y is equal to 5 ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा 2 1 है 2 -5 is equal to +3y। अब आपने यह चीज को समझ, अब ये जो 5 है इसके साथ उस तरफ कोई साइन नहीं था तो इसका मतलब है इसके साथ प्लस का साइन था, तो ये जब इस तरफ आया तो माइनस हो गया, ये जो 3y था माइनस का था उस तरफ जाके प्लस का हो गया, तो 5 में से 2 है तो पीछे 3 बचे, 5 बड़ा है साथ साइन माइनस का लगेगा और यहाँ क्या प्लस 3y। अब मुझे क्या है y चाहिए तो y के साथ 3 क्या है फालतू है एक्स्ट्रा, तो 3 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाना है, तो माइनस 3 के साथ प्लस 3 लगा के डिवाइड हो गया, 3 1 से 3 तो प्लस माइनस माइनस y, तो y को इधर देखिए तो माइनस 1 को प्रॉपर आर्डर में लिखिए, तो इस तरह x और y की दो वैल्यू मुझे चाहिए थी, x और y की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो इस तरह मेरे पास 7b का क्वेश्चन नंबर जो है डी भी हो गया है। तो इसके साथ हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका पार्ट सी है, इस वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नीचे जो फर्दर इसका पार्ट सी है उसे फिर चलें। अब इसके एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया, तो इसलिए हम ये वाली जो इक्वेशन है इस सारी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 8 और बोथ साइड आप ऐसे आप चाहे तो इक्वेशन 1 कह दें इसी इक्वेशन 2 कह दें
तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय x बाय 4 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय g बाय 8 y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय g। 8 क्योंकि इन दोनों के नीचे जो डिनोमिनेटर है दोनों का एलसीएम 8 आता है, इसलिए 8 इस x बाय 4 से भी मल्टीप्लाई हुआ, g बाय 8 से भी मल्टीप्लाई हुआ और g से भी मल्टीप्लाई हुआ। तो 4 2 जर 8 तो मेरे पास क्या आ गया है 2x, 8 8 से कैंसिल, g बाय 8 c जर 24 मेरे पास इक्वेशन आ गई है जी। इसी को ये मान कहते हैं ना, हो जाने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 8 ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई, इसमें 2 क्या है। अब इस तरह क्या है, कैसे छोड़े इसको 1 रहने दें, इसी तरह मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 1 में, ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब मैं इधर इसके साथ क्या करूंगा, g और 2 का बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने 4 और 8 का एलसीएम लिया, जब g और 2 का एलसीएम लो तो 6 आता है क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का तो फैक्टर होता ही है, वो तो खुद इटसेल्फ उसका अपना एक खुद पे डिवाइड होता है या वन होता है। तो इसलिए इन इस तरफ मैं क्या करूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 सॉरी 6, इन दोनों को मैं क्या करूंगा 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड, 6 into y by 2 is equal to 6 multiplied by 9। 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 6 से भी मल्टीप्लाई किया क्योंकि के नीचे जो डिनोमिनेटर है जब उसको मैं एलसीएम लूंगा तो 6 आएगा, इसलिए इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए, ये जो फ्रैक्शन है उसको खत्म करने के लिए मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ। अब देखो 3 2 जर 6, 2 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 3 जर 6 तो 3 y हो जाएगा और दूसरी तरफ 12 से 6 जर 72 72 आ जाएगा। अब ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 2, अब मैं इसको यहां लिख लेता हूं 10x माइनस gy इज इक्वल टू 72 आ जाएगा, ये हुई 2 आ। जब आपके पास दो इक्वेशन बन जाती हैं तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखते हैं कि x के क्या वैल्यू है, जो x वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट सेम है, यहां पे x वेरिएबल है तो a2 है कोएफिशिएंट और 10 है दोनों के सेम नहीं है। फिर हम y को देखते हैं, इधर y के साथ 3 है, इधर y के साथ 3 है, तो y वेरिएबल जो है हमारे पास इसके साथ जो कोएफिशिएंट है दैट इज 3 दोनों के साथ सेम है। जब आपके पास कोई भी वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर होता है वो सेम होता है या कोएफिशिएंट जो होता है वो सेम होता है तो फिर आप उसके साइन को देखते हैं, तो साइन में आपके क्या दोनों के साथ क्या है सेम है, जब सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्शन होती है। तो आप क्या करोगे नेक्स्ट पे मैं यही लिख दूं, आपने इसको दोबारा लिख लेना चाहिए, आप क्या लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, मैं यहीं पर ही सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, देखो ये प्लस इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसके साथ प्लस है, इसके साथ भी कोई साइन है तो प्लस है, तो साइन चेंज कर दो, प्लस को खत्म कर दे माइनस, माइनस को खत्म कर दे प्लस, प्लस को खत्म कर दे माइनस, 12 में से 10 में से टूट गया 8, 10 बड़ा है साथ साइन माइनस का, प्लस 3 बाय माइनस 3 बाय से कैंसिल, अब 72 है ना। अच्छा इसमें एक और चीज है, मैंने ऐसे लिख दिया, आप ऊपर मैं प्रॉपर चले आपको लिख के बता देता हूं, हो सकता है आपके जहन में आ जाए के सारी बता दी 2x माइनस जी वाई इज इक्वल टू 24 ये गेन वन आ गई, तो मैंने देखता हूँ सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। अब देखो मैं क्यों लिख रहा किया मैंने, तब वो मैं आपको रीजन बताता हूँ, 10x माइनस जी वाई इज इक्वल टू 72 और देन 2x माइनस जी वाई इज इक्वल टू 24 ठीक। अब मैं पहले जो सब्ट्रैक्शन की होना उसी तरह ही बाद में साइन चेंज हो जाना है, इसलिए क्योंकि हो सकता है जेन में हो आपने 24 में से 72 कैसे निकाल लिया, 2 में से 10 कैसे निकाल लिया, तो इसलिए मैंने बड़ी वैल्यू को ऊपर रखा नीचे छोटी को नीचे रखा, बस इतना ही एक चीज मेरे जेन में आ गई, तो मैंने कहा इसको दोबारा करता हूँ ताकि आपके जेन में अगर कोई रूल है उस तरह भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, सिर्फ साइन का चेंज आता है, इसमें डायरेक्ट आपके साथ साइन जो प्लस का आ जाएगा, जब उसके साथ माइनस आता है लेफ्ट साइड इक्वल के तरफ भी माइनस आता है, इक्वल के उस तरफ भी माइनस आता है, तो माइनस माइनस से करंट बात वही आ जाती है। तो लेकिन फिर भी क्या होता है कि सारी चीज़ें कोशिश है कि ये करता जाऊँ, कोई साइन में तो प्लस है तो माइनस, ये देखिए प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, 10 में से 2 है 8, जी प्लस जी वाई माइनस जी वाई, 72 में से मैंने 24 निकाला तो मेरे पास कितना बचेगा जी दैट इज 48, इधर से कैरी किया 12, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 2 गया 4, तो अब हमें x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 8, x के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा क्योंकि हमें x चाहिए ना, तो 8 के साथ पाते हो 8 6 से 48 x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मैं क्या करता हूं पुट इन कोई मसला नहीं, आपस एक आंसर सेम आएगा,
तो देखिए मेरे पास क्या है, चले इधर मैं बाद में पुट कर लेता हूँ, तो पिछले बारे में मैंने टू या टू में पुट किया था, तो आपके जहन में तीन होगा एक है जो ये देखो टू है आगे क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या सिक्स है, तो मैं सिक्स लिख दूंगा माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 24 सिक्स थ्री टू को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे टू सिक्स सर ट्वेल्व माइनस 24 इज इक्वल टू 3y इस टाइम में क्या हुआ ये 24 इधर आ गए माइनस हो गए ये माइनस थ्री उधर जाकर प्लस हो गए तो यहाँ माइनस हमारे पास कितना बचेगा ये 12 इज इक्वल टू 3y अब 24 में से 12 गए 12 बचे 25 बड़ा है साथ साथ माइनस का लगेगा माइनस 12 अवर 3 इज इक्वल टू y 3 4 उधर पे आ जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाता है ग्राफ डिवाइड होते तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ माइनस 4 तो इस टाइम हमारे पास x और y की वैल्यू मैंने निकाली थी वो निकाल ली तो अभी इसका पार्ट डी की तरफ हम चलते हैं वीडियो को पास करके इसका एस उतार के एस स्क्रीन शॉट ले तो पार्ट डी में है जी एक्स माइनस जी डिवाइडेड by 5 is equal to y minus 7 divided by 2 ये भी इक्वेशन है और दूसरी भी इक्वेशन है 11x is equal to 13y इसको पहले हम सिंपलीफाई कर लेते हैं 11x इस 13 को ले माइनस 13y दूसरी तरफ 0 बच गया ये इक्वल टू तो आसानी से बन जाएगी इसको मैंने एक्स क्या था क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं इसकी सिंपल दी हुई थी तो इसको y पर था y पर इधर लिया प्रॉपर इक्वेशन में लिख दी और दूसरी तरफ जीरो लिख दी अब ये नॉर्मल है कि ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को खत्म करके सीधे तरह की बनानी है इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं ये जो 2 है ये इधर आके x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो ये वाला इस तरफ मल्टीप्लाई हो ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो इसके साथ y माइनस 7 के साथ 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 5 को y से मल्टीप्लाई किया तो 5y 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 5 7 से क्या आ गया 35 अब देखिए ये 2x ये 5y इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस 35 ये माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 35 में से 6 गया तो मेरे पास की शेक कितने बच गए माइनस 29 ये मेरे पास की कोई आ गई है 2 अब देखो ये 1 और 2 को हम एक साथ लिख लेते हैं अच्छा इसमें सॉरी ये नहीं होना अब आप देखें कि मैंने जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि क्या क्या होता है कि जब आपके पास इस तरह प्रॉब्लम एक कोई की शक्ल में दे दिया जाता है क्वेश्चन जो आप उनको बना लेते हैं फिर आप क्या देखते होते हो कि आपके पास क्या है कि जो वैल्यू है वेरिएबल की एक्स की क्या वो सेम है यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल है टू एक्स है और इधर क्या है 11x है तो भी तो सेम नहीं है फिर आप वाई को देखते हो यहाँ वाई 5y है और इधर 13y है तो ना तो एक्स सेम है ना तो वाई सेम है ये मेथड आपका क्वेश्चन नंबर 6 में यूज होता है तो अब हम क्या करेंगे कि या तो एक्स को सेम करेंगे या हम क्या करेंगे वाई को सेम करेंगे तो पिछले वाले जो क्वेश्चन है सारों में मैंने वाई को सेम किया था तो अभी मैं एक्स को सेम करके उसको एलिमिनेट करूंगा तो ऐसा करता हूं मैं कि इस एक्स के साथ जो वेरिएबल है दैट इज 2 इस 2 को मैं सारी यूनियन से मल्टीप्लाई करूंगा और इसके साथ जो इस एक्स के साथ इस वेरिएबल के साथ वैल्यू है 11 वो 11 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा कुछ ऐसे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 11 एंड 2 बाय 2 ऑन बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ एंट्री इसी को यह दोनों तरफ क्या होगा 11 मल्टीप्लाई होगा 11 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 5y इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 29 या पहले माइनस है ना तो उसको माइनस 29 मल्टीप्लाई बाय 11 है तो एक ही बात 11 टू जर 22 11 5 सर 55 और 29 और 11 29 320 तो माइनस 390 आ गए ये मेरे पास आ गए थी इक्वेशन जी आ गई ठीक है इक्वेशन जी आ गई इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि सिर्फ मैं आपके पता सॉल्व अब इस वाली इक्वेशन को मैंने क्या करना है क्योंकि इसका इस वेरिएबल के साथ वो है इसलिए ये बनी पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 13y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 11 2 जर 20 2 हो गया
22x, 32 26, 26y और 20 0 आ गया, ये पॉइंट 4 आ गया। अब क्या करो, सबट्रैक्ट 3 एंड 4, तीनों चार को सबट्रैक्ट करेंगे। अब क्यों सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि देखें इधर भी 22 है, इधर भी 22 है, सेम है, साइन कोई नहीं है, तो इसका मतलब दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो इसलिए अब इन दोनों में सबट्रैक्शन होगी। अब सबट्रैक्शन होगी तो x एलिमिनेट हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा, x एलिमिनेट होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू कूट जाएगी, ऐसा आ जाएगा। अब मेरे पास क्या है, 22x-55y = -390 एंड देन 22x-26y = 0। तो अब मैंने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, तो साइन चेंज होगी, ये देखो प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, और जीरो के साथ तो कोई साइन नहीं होता, इसलिए उसको मैंने दिया प्लस 22 और माइनस 22 काट जाएगा। अब 55 में से मैंने क्या करना है, 26 निकाले, तो देखिए जैसे कह रही है 15 में से 6 गया 9 और 4 में से 2 गया 2 और 55 बढ़ेगा, साइन माइनस का लगेगा और माइनस 319 आ जाएगा, क्योंकि 0 है तो 0 तो प्लस हो जाए, सब माइनस हो सेम ही रहता है। अब ये देखो y = -319/-29, अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 29 का केवल 11 टाइम जाएगा, तो y की वैल्यू 11 आ जाएगी। अब देखो कैसे, ये देखिए अगर 29 को ना 11 से मल्टीप्लाई करो, 9 1s are 9, 1 2s are 2, 1 9s are 9, 1 2s are 2, 9 9 = 11, 1 के और 319 आ गया, 11 आ गया, पुट इन, पुट इन 1, 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, जिस इक्वेशन में मर्जी में पुट करो आंसर सेम आ जाएगा, 2x 2x-5y = -29। अब देखें क्या है 2x, तो ये देखिए 2x मैंने ऐसे लिख दिया, आगे माइनस फाइव का मैंने माइनस फाइव भी ऐसे लिख दिया, y का तो y की वैल्यू 11 है, y की जगह मैंने 11 लिख दिया, आगे इक्वल और 29 ऐसे है, तो इस इक्वल और 29 ऐसे आ गया, 2x-55 = -29, 2x = -29 + 55, ये 55 उत्तर आ गया, क्या हो गया माइनस हो रहा था तो प्लस हो गया, तो ये देखें 55 में से 29 हमें सबट्रैक्ट करना है, इधर कह रही है 15, 15 में से आएंगे 6 और 2, तो 2x = मेरे पास कितना आ गया थी 26 प्लस 26 बिकॉज 55 इज ग्रेटर देन 29, तो अब हमारे पास क्या है, ये x है चाहिए, तो 2x है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 26 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 13 है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 13, तो इस तरह x और y की वैल्यू निकाली और इसे इसके साथ ही मेरा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इस क्वेश्चन में किसी के सभी कंप्लीट एंड रिव्यू करना जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इसके अलावा किसी क्वेश्चन में मसला है तो भी बताइएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।